इस चैप्टर में हम तरल से जुड़े हुए एक और यांत्रिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे। अब ये यांत्रिक गुण कौन सा है, इसको जानने के लिए सबसे पहले आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मान लीजिए आपके पास कुछ लिक्विड्स हैं और सबको हमने एक ही प्रकार के कंटेनर में रखा है, चाहे वो कटोरी हो, ग्लास हो या बॉटल हो, आप कुछ भी ले सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि जो भी लिक्विड आप ले रहे हैं उन सबका लेवल एक हो, यानी आपने सबको इक्वल लेवल पे भरा हो, ताकि आपको ये ना लगे कि ये लिक्विड कम था इसलिए इसका प्रभाव ऐसा हुआ। तो हम समान लेवल के चार लिक्विड ले लेते हैं। मान लीजिए आपने एक में पानी लिया है, एक में कोई तेल लिया है, एक में शहद लिया है और एक में आपका फेवरेट टमाटो केचप ले लेते हैं। इन सभी को हम एक साथ एक ही ऊंचाई से उस बर्तन से बाहर गिराने का प्रयास करेंगे। अब ये बताइए कि इनमें से कौन सा लिक्विड पहले बर्तन से बाहर गिरेगा। इनके गिरने के आधार पर इन्हें आप सीक्वेंस में जमाइए। चलिए बताइए सबसे पहले कौन सा लिक्विड आएगा, पानी, उसके बाद तेल, उसके बाद शहद और लास्ट में टोमेटो केचप। कभी कभी तो टोमेटो केचप को हमको देखते हैं कि बॉटल में ठोकना पड़ता है तब वो बाहर निकलता है। अब ये बताइए ऐसा क्यों हुआ, पानी बर्तन से जल्दी से बाहर निकल गया जबकि वही शहद और टोमेटो केचप को हम देख रहे हैं तो उसमें बहुत समय लग रहा है आने में, या यूं कहे वो धीरे से बाहर आ रहा है। अगर सिंपल शब्दों में आप कहेंगे तो आप बोलेंगे कि पानी पतला है, टोमेटो केचप शहद ये गाढ़े हैं, इसलिए इनको बर्तन से निकलने में समय लगा या इनकी गति धीमे थी। तो पतला होने से या गाढ़ा होने से ऐसा क्या हो जाता है कि इनकी गति स्लो हो जाती है? ये जो लिक्विड्स होते हैं इनके अंदर बहुत सी परतें होती हैं और इन विभिन्न परतों के बीच में जब आपस में गति होती है, मतलब आपेक्षिक गति होती है, उस कंडीशन में एक परत दूसरे परत की गति का विरोध करता है और इसी गति विरोधक बल को हम श्यान बल के नाम से जानते हैं। बच्चों आप एक और गति विरोधक बल के बारे में जानते हैं, आपने देखा है जब एक ठोस दूसरे ठोस के ऊपर फिसलता है या फिसलने का प्रयास करता है उस समय उन दोनों की संपर्क सतह के बीच में जो गति का विरोध करने वाला बल कार्य करता है उसे हम घर्षण बल के नाम से जानते हैं और ये घर्षण बल ठोसों में पाया जाता है। जबकि हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में विभिन्न परतें होती हैं, जो सबसे नीचे वाली परत है वो किसी न किसी ठोस के संपर्क में होगी और इसीलिए उसमें ज्यादा गति विरोधक बल कार्य करेगा, उससे जस्ट ऊपर की जो परत होगी उसमें थोड़ा कम, उससे जस्ट ऊपर में थोड़ा कम, और इस प्रकार हम देखेंगे कि लिक्विड बहने लगता है, इसमें बहने का गुण आ जाता है। लेकिन इसके प्रवाह को रोकने के लिए, मतलब विभिन्न परतों के बीच में जो आपेक्षिक गति है उसका विरोध करते हुए जो बल उत्पन्न होता है उस बल को हम विस्कस फोर्स, श्यान बल के नाम से जानते हैं। और द्रव में इसे विभिन्न परतों के बीच आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले बल के कारण जो उसमें गुण उत्पन्न होता है उस गुण को हम विस्कोसिटी या श्यानता के नाम से जानते हैं। बच्चों ये श्यानता का गुण लिक्विड यानी कि द्रव और गैस दोनों में पाया जाता है, यानी श्यानता का गुण तरल में होता है। लेकिन जैसे हम पिछले चैप्टर में तरल के यांत्रिक गुण के बारे में पढ़ रहे थे, तरल दाब के बारे में, तो हमने उदाहरण के रूप में लिक्विड्स को लिया। दाब को समझने के लिए हमने लिक्विड को उदाहरण के रूप में लिया और उसके बाद इस दाब को हमने गैस के लिए भी जनरलाइज किया। एक्चुअली लिक्विड को हम देखते आ रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन होता है उसका अनुभव हम करते आ रहे हैं और गैस हमको दिखाई तो देता नहीं है, हालांकि हम गैस को महसूस करते हैं। इसलिए हम कोई भी उदाहरण जब देते हैं तो हम लिक्विड्स के रूप में उदाहरण देते हैं और उसके बाद उस गुण को हम गैस के लिए जनरलाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम इस यूनिट में तरल के यांत्रिक गुणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं और तरल में गैस और द्रव दोनों ही शामिल होते हैं। तरल में श्यानता क्यों उत्पन्न होती है, इसका कारण क्या है, इसको हम आणविक सिद्धांत के आधार पर समझते हैं। द्रव में
और गैस में श्यानता के कारण अलग अलग है। यदि हम आणविक रूप से देखें तो द्रवों में श्यानता इसलिए उत्पन्न होती है, इन द्रवों के अणुओं के बीच में ससंजक बल कार्य करता है। ससंजक बल मतलब एक ऐसा बल जो अपने ही पदार्थ में, अपने ही अणुओं के बीच में आकर्षण के रूप में कार्य करता है, उसे हम कहते हैं ससंजक बल। तो जो लिक्विड्स हैं उनके सारे अणुओं के बीच में यह ससंजक बल कार्य करता है, और एक लेयर जब दूसरे लेयर के ऊपर खिसकने का प्रयास करती है तो दो अणुओं के बीच की दूरी बढ़ जाती है और ससंजक बल इस दूरी का विरोध करता है, और इसके कारण ही ये दो परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करेगा और श्यान बल कार्य करता है। लेकिन यदि हम गैस की बात करें तो गैस में अणु तो ऑलरेडी बहुत दूर दूर होते हैं, इनके बीच में ससंजक बल का मान लगभग नगण्य होता है। तो यदि हम ससंजक बल के आधार पर गैस की श्यानता को समझने का प्रयास करें, और इसलिए जब हम गैस में श्यान बल के कारण को की चर्चा करते हैं तो हम ये कहते हैं कि गैस के विभिन्न परतों के बीच में अणुओं के विसरण के कारण श्यान बल उत्पन्न होता है। विसरण यानी कि डिफ्यूज़न, इसका मतलब मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, और इसी के कारण ही गैस में श्यानता उत्पन्न होती है। और इसीलिए जब हम किसी तरल के लिए श्यानता की निर्भरता के कारक देखें तो वो द्रव के लिए अलग तरीके से कार्य करते हैं और गैस के लिए अलग तरीके से कार्य करते हैं। तो ये बच्चों देखते हैं कि श्यानता किन किन कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला, किसी भी तरल की प्रकृति पर। हम जानते हैं बच्चों कि पानी जल्दी कंटेनर से बाहर निकल गया जबकि टमाटर केचप देर से बाहर निकला, इसका मतलब दोनों की प्रकृति अलग अलग थी, और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं पतले द्रव की श्यानता अधिक होती है जबकि गाढ़े द्रव की श्यानता कम होती है। अब हम दूसरा कारण देखते हैं, ताप। जब हम ताप बढ़ाते हैं तो द्रवों में क्या होता है, ताप के कारण इसके अणु गतिज ऊर्जा को प्राप्त करते हैं और अपने जगह पर वाइब्रेशंस शुरू कर देते हैं, यानी कि गति प्रारंभ कर देते हैं। इसका मतलब उनकी गति बढ़ जाने के कारण उनके बीच में जो ससंजक बल कार्य कर रहा था उसका मान घट जाता है, और इसीलिए जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो द्रव की श्यानता घट जाती है। जबकि हम गैस की बात करें तो गैस में श्यानता का क्या कारण है, डिफ्यूजन, विसरण। यदि विसरण अधिक होगा तो श्यानता बढ़ेगी, विसरण कम होगा तो श्यानता घटेगी। तो जब हम गैस में ताप देते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो वहां पर विसरण बढ़ता है, इसका मतलब गैस में ताप बढ़ाने से श्यानता बढ़ती है। नेक्स्ट कारक है दाब। यदि हम द्रवों की बात करें तो दाब को बढ़ाने से द्रव की श्यानता भी बढ़ जाती है, पर द्रव में एक एक्सेप्शन है, जल यानी कि वाटर। इसका एनामोलस बिहेवियर होता है और इसी कारण ये किसी किसी सिचुएशन में अलग तरह से व्यवहार करता है। जैसे 100 वायुमंडलीय दाब पर जल की श्यानता घटती है। अब हम गैस की बात करते हैं। गैस में दाब का प्रभाव कम दाब और अधिक दाब दोनों में अलग अलग होता है। कम दाब में यदि हम गैस का दाब बढ़ाते जाते हैं तो उसकी श्यानता भी बढ़ती है, लेकिन अधिक दाब पर गैस की श्यानता दाब पर निर्भर ही नहीं करती। तो इस तरह से हमने देखा कि द्रव में और गैस में दोनों में ही कारकों का प्रभाव श्यानता पर अलग अलग तरीके से पड़ता है, और इसी प्रभाव को आपने महसूस भी किया है। बच्चों यदि हम हवा में चलते हैं, जैसे कि हम साधारण अपने वायुमंडल में चल रहे हैं तो हम आसानी से चल पाते हैं, लेकिन जब हम पानी के अंदर चलने का प्रयास करते हैं तो हमें चलने में कठिनाई होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम द्रव की यानी कि पानी की श्यानता वायु की तुलना में देखें तो ये अधिक होती है, और इसीलिए जब हम चलते हैं तो इनके विभिन्न परतों के बीच में भी आपेक्षिक गति शुरू हो जाती है और श्यान बल उत्पन्न हो जाता है जो कि इनके परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करता है, और इसीलिए पानी में चलने में हमें कठिनाई होती है। वायु की श्यानता, इसका उदाहरण भी आपने देखा है। वायु की श्यानता के कारण आप देखें कि बादल के जो कण होते हैं वो धीरे धीरे नीचे की ओर आते हैं,
और हमें ऐसा महसूस होता है कि बादल हवा में तैर रहे हैं, और ये पॉसिबल हो पाता है वायु की श्यानता के कारण। बच्चों, मैंने आपको पहले बोला था कि हम लिक्विड्स को देखते हैं, इसलिए उससे जुड़े हुए जो परिवर्तन होते हैं या जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको हम आसानी से अनुभव कर सकते हैं, और इसलिए उदाहरण के लिए हम लिक्विड्स ही लेते हैं। लेकिन बच्चों, कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं जैसे कि अभी मैंने आपको वायु से जोड़कर बताया, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो गुण जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं दोनों पे एप्लीकेबल है, लिक्विड्स पे भी है और गैस पे भी है, पर ये दोनों पर ही अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से भी कार्य करते हैं। तो हम उदाहरण के जरिए इसको स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो वायु की श्यानता के कारण ही ये जो बादल है वो हवा में तैरते हुए नजर आते हैं। अब एक और उदाहरण लेती हूँ। मान लीजिए आपने एक बर्तन लिया है, उसमें शहद रखा है और एक बर्तन में पानी। अब हम दोनों को ही घुमा रहे हैं, आप देखेंगे पानी जल्दी घूमना शुरू कर देगा, शहद देर से घूमेगा। उसको घुमाने में आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो थीकर है, गाढ़ा है, तो उसके विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला श्यान बल जो उत्पन्न होगा उसका मान अधिक होगा, उसकी विस्कोसिटी अधिक होगी। इसलिए पहली बात तो वो घूमेगा नहीं, बहुत समय लेकर घूमेगा। और जब हम एक बार घुमा देते हैं तो आप देखेंगे कि वो शहद जल्दी रुक जाएगा, क्योंकि उसका जो गति विरोधक बल है विभिन्न परतों के बीच में वो अधिक था, इसलिए वो जल्दी विराम अवस्था में आ जाएगा, रुक जाएगा। जबकि वहीं आप पानी को देखेंगे तो वो बहुत देर तक घूमता रहता है। तो इस प्रकार आप साधारण उदाहरण से भी श्यानता के गुण को समझ सकते हैं। और यदि आप सोच रहे होंगे कि श्यानता विरोध करती है गति का, तो ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ऐसा नहीं है बच्चों, ये गति विरोधक बल का इस्तेमाल करके, जैसे कि घर्षण का इस्तेमाल करके हम चल पाते हैं, बोल पाते हैं, लिख पाते हैं, मतलब इसके बहुत सारे उपयोग हैं। वैसे ही ये जो द्रवों की विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति का विरोध करने वाला बल उत्पन्न हो रहा है, यानी कि श्यान बल, इसके भी बहुत से उपयोग हैं। और ये किन किन कारकों पर निर्भर करते हैं ये तो हमने देखा, और इसी आधार पर हम इसका उपयोग अलग अलग जगह पे करते हैं, जैसे कि कई उपकरणों की गति को मंदित करने के लिए, मतलब उसकी गति को कंट्रोल करने के लिए हम वहां पर उचित श्यानता वाले द्रव का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उसकी गति को अपने अनुसार हम कंट्रोल कर सकें। और साथ में हमने ये भी जाना कि ताप का भी प्रभाव श्यानता पर पड़ता है, यदि गर्म करते हैं तो द्रव की श्यानता घट जाती है। तो यदि मौसम परिवर्तन होता है तो उसके आधार पर भी किसी पदार्थ की श्यानता पे फर्क पड़ेगा। गर्मी के दिनों में उसकी श्यानता कम होगी, जबकि ठंड में हम बात करें तो उस पदार्थ की श्यानता अधिक हो जाएगी। और इसीलिए हम मौसम के अनुसार अलग अलग तरीके लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल करते हैं मशीनों में। लुब्रिकेंट्स यानी कि स्नेहक। बच्चों, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी मशीन में उनके पुर्जों को घिसने से बचाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब कोई मशीन के ऊर्जे पुर्जे लगातार रगड़ खाते हैं तो घर्षण के कारण बहुत सारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है, तो उस घर्षण को रोकने के लिए हम स्नेहक का इस्तेमाल करते हैं। गाढ़े से द्रव का, लिक्विड्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मशीनों के पुर्जों को घिसने से बचाता है। तो इन स्नेहक का इस्तेमाल मौसम के आधार पर ही किया जाता है। ऐसे ही ट्रेन को भी जब शंट करते हैं तो शॉक को अवशोषित करने के लिए बफर का इस्तेमाल किया जाता है, और बफर का रूप में हम उचित श्यानता के द्रव का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार हम अलग अलग श्यानता वाले द्रवों का इस्तेमाल अलग अलग स्थिति में करते हैं। हमने आणविक सिद्धांत के आधार पर द्रव में उत्पन्न होने वाले श्यान बल को समझा, पर सर आइजैक न्यूटन ने श्यानता के ऊपर गहन अध्ययन किया, और उन्होंने किसी भी द्रव की विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति होने के कारण जो उसमें श्यान बल लग रहा है उसके बारे में भी बताया। सर आइजैक न्यूटन ने यह बताया कि यह श्यान बल विभिन्न परतों के बीच में किस तरह से कार्य करता है। यदि हम किसी द्रव को ले तो हम इस द्रव को विभिन्न परतों के रूप में इस तरह से बांट सकते हैं। यहाँ आपने विभिन्न परतों को दर्शाया है। इन परतों की मोटाई हमने dx ली है, क्योंकि यदि आप द्रव को देखेंगे तो आपको ऐसे कोई भी परत नहीं नजर आता। किसी बहते हुए द्रव को देखेंगे तो आपको वो सिंगल
एकदम लेयर के रूप में ही दिखता है, लेकिन हम यहाँ पर उसे बहुत सूक्ष्म परतों के रूप में बांट रहे हैं और इन्हीं परतों के बीच में ही आपेक्षिक गति होती है। सर आइजक न्यूटन ने बताया कि ये जो गति विरोधक बल श्यान बल कार्य करता है वो प्रत्येक परत पर स्पर्श रेखी रूप से कार्य करता है, मतलब उन परतों को छूते हुए टेंजेंशियल फॉर्म में कार्य करता है। और जब इन परतों की गति हम देखें तो नीचे वाला परत किसी न किसी ठोस के संपर्क में रहेगा, तो यहाँ पर इसकी गति सबसे कम होती है। उसके बाद वाला परत वो आगे की ओर बढ़ता है, इन दोनों के बीच में आपेक्षिक गति होती है, और सबसे ऊपर वाला परत वो सबसे तेज गति करता है और इसी कारण ही द्रव बहने लगता है। तो यदि हम नीचे वाली परत के वेग को वी ले रहे हैं तो उससे ऊपर वाले परत का वेग उससे कुछ ज़्यादा होगा, तो हम उसमें वी प्लस डी वी लिखेंगे। यदि हम एक परत को x से मान रहे हैं तो इनके बीच का जो अंतर है वो dx है, प्रत्येक परत को हमने dx माना है। और यदि हम x दूरी की बात करें और उस पर एक लेयर और लें तो हम लोग x प्लस dx ले सकते हैं। तो इस प्रकार यदि हम इन परतों के बारे में अध्ययन करें तो हम देखेंगे कि दूरी के साथ साथ, मतलब सतह से ऊंचाई के साथ साथ, इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है और इसी परिवर्तन को हम वेग प्रवणता के नाम से जानते हैं। वेग प्रवणता को हम dv अपॉन dx से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दूरी के साथ साथ वेग में परिवर्तन। अब न्यूटन के अनुसार जब ये द्रव बहना प्रारंभ करेगा इनके विभिन्न परतों के बीच में आपेक्षिक गति होगी। मान लीजिए जो विभिन्न परतें एक दूसरे के संपर्क में हैं उनके संपर्क सतह का क्षेत्रफल हम a ले रहे हैं, तो न्यूटन के अनुसार ये जो गति विरोधक बल होगा, ये श्यान बल होगा, वो समानुपाती होता है क्षेत्रफल के। तो हम लिखते हैं F समानुपाती है A के, और दूसरा ये F समानुपाती होता है वेग प्रवणता के, तो हम लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू dv अपॉन dx। इन दोनों को यदि हम कंबाइन करें तो एक सूत्र के रूप में लिख सकते हैं F समानुपाती है A dv अपॉन dx के। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो एक नियतांक लगाते हैं। यहाँ पर जो नियतांक लगा रहे हैं वो एक स्पेशल चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है, इस चिन्ह को हम ईटा कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F माइनस ईटा A dv अपॉन dx। ये जो ईटा है ये द्रव का श्यानता गुणांक कहलाता है और ये द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि यदि हम वेग प्रवणता देखें, मतलब परतों के साथ साथ वेग में परिवर्तन, तो वो डिपेंड करता है कि आपने द्रव कैसा लिया है। पतले द्रव की वेग प्रवणता अधिक होगी, मतलब दूरी के साथ साथ वेग में अधिक परिवर्तन होगा, और जब गाढ़े द्रव की वेग प्रवणता देखें तो वो कम होगी। यदि हम इस सूत्र में देखें तो यहाँ पर हमें एक माइनस चिन्ह भी मिल रहा है, और ये ऋणात्मक चिन्ह इस बात का द्योतक है कि जो श्यान बल उत्पन्न हो रहा है ये वेग का विरोध करेगा, या सिंपल शब्दों में कहें कि विभिन्न परतों के बीच में गति का विरोध करता है। तो माइनस चिन्ह जब भी इस्तेमाल किया जाता है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन के लिए यूज किया जाता है, तो वेग जिस दिशा में है श्यान बल उसके विपरीत दिशा में कार्य करेगा, इसलिए हम यहाँ पर माइनस चिन्ह का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो हमने श्यानता गुणांक लिया है ये आखिर है क्या, इसको समझने के लिए हम इस फॉर्मूले में थोड़ा सा मैनिपुलेशन करते हैं। मान लीजिए हम a बराबर 1 लेते हैं, इसका मतलब जो दो सतह हैं, दो परतें हैं, उनके बीच का जो क्षेत्रफल है उसको इकाई लेते हैं, और dv अपॉन dx को भी हम 1 ले लेते हैं, मतलब जो वेग प्रवणता वो भी हम इकाई मान रहे हैं। उस कंडीशन में इस सूत्र से हमारे पास क्या बचता है, एफ बराबर माइनस ईटा, और इस तरीके से हम श्यानता गुणांक को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी द्रव की श्यानता गुणांक उनके समांतर परतों के बीच में जिनके संपर्क का क्षेत्रफल इकाई हो और जिनकी वेग प्रवणता भी इकाई हो उसमें उत्पन्न होने वाले श्यान बल के बराबर होती है। श्यानता गुणांक का मात्रक भी लिख सकते हैं, तो यहां हम श्यानता गुणांक का मात्रक देखते हैं, पहले SI मात्रक देखेंगे फिर उसका CGS मात्रक देखेंगे। तो फॉर्मूले से हम देखें तो ईटा बराबर लिख सकते हैं F अपॉन A dv अपॉन dx। अब बल का SI मात्रक होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर, dv यानी कि वेग में परिवर्तन
यानी कि वेग का ही मात्रक लिखना है, तो लिखूंगी मीटर प्रति सेकेंड। अपॉन डीएक्स यानी कि दूरी का मात्रक, तो लिखूंगी अपॉन एम। यहां से मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो श्यानता गुणांक का मात्रक होगा न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर। और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को हम पास्कल भी कहते हैं। तो इस प्रकार श्यानता गुणांक का ऐसा ही मात्रक हम लिखते हैं पास्कल इंटू सेकेंड। अब सीजीएस में देखते हैं, सीजीएस में फोर्स को हम डाइन में नापते हैं और मीटर को सेंटीमीटर में, तो इसका मात्रक हो जाएगा डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। और डाइन सेकेंड अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर को हम वैज्ञानिक पॉइज़ले के नाम से, इस मात्रक को पॉइज़ कहते हैं। तो बच्चों पॉइज़ श्यानता गुणांक का सीजीएस मात्रक होता है। अब हम देखते हैं कि सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक में क्या संबंध है। यदि मैं एक न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर लूँ, तो सबसे पहले न्यूटन को सीजीएस में चेंज करना है यानी डाइन में चेंज करना है, तो 10^5 डाइन लूँगी इंटू सेकेंड, सेकेंड दोनों में एक ही है। और मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 10^2 लिख देती हूँ। और मीटर स्क्वायर है, तो यहाँ सेंटीमीटर को भी स्क्वायर में लिखेंगे, तो 10^2 का स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व करेंगे 10^5 अपॉन 10^4 यानी कि सिर्फ बच्चे का 10। तो इस प्रकार एक पास्कल सेकंड बराबर होता है 10 पॉइस। अब इसका विमीय सूत्र देखते हैं। बल का विमीय सूत्र है MLT-2, क्षेत्रफल का L स्क्वायर, वेग का LT-1, दूरी का L। और इसको सॉल्व करती हूँ तो योगा ML-1 T-1। तो इस प्रकार हमने श्यानता गुणांक की परिभाषा देखी, इसका सूत्र देखा, मात्रक देखा एसआई और सीजीएस पद्धति में, और साथ ही हमने इसका विमीय सूत्र देखा। और जैसे कि मैंने बोला बच्चों, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए इस पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते हैं। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाली धातु की प्लेट 2 मिलीमीटर चौड़ी कैस्टर ऑयल की परत पर रखी है। यदि कैस्टर ऑयल का श्यानता गुणांक 15.5 पॉइज हो, तो प्लेट को 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की चाल से हटाने के लिए आवश्यक स्पर्श रेखीय बल की गणना कीजिए। इस प्रश्न में दिया गया है क्षेत्रफल A बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सबसे पहले इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे 100 × 10^-2 मीटर स्क्वायर। और इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 10^-2 मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता यानी डीवी अपॉन डीएक्स, यह है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड अपॉन 2 मिलीमीटर। अब इसे एसआई मात्रक में चेंज करते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे और साथ ही मिलीमीटर को मीटर में, तो ये होगा 3 × 10^-2 मीटर प्रति सेकेंड अपॉन 2 × 10^-3 मीटर। इसे सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 15 प्रति सेकेंड। प्रश्न में दिया गया है श्यानता गुणांक यानी ईटा बराबर 15.5 पॉइस, और इसे हम लिख सकते हैं 1.55 पॉइज़ले। अब सूत्र अनुसार F=ηA dV/dx होता है। अब ये सारे मान हम इस सूत्र पर रख देंगे और इसकी सहायता से हम स्पर्श रेखीय बल की गणना करेंगे और सॉल्व करने पर हमें मिलेगा 23.25 × 10^-2, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 0.2325 न्यूटन। नीचे दिए गए सारणी में हम कुछ तरल पदार्थों के श्यानता गुणांक को देखते हैं। श्यानता गुणांक का मान 10^-3 के गुणज के रूप में पॉइज़ले में माप के लिखा गया है, यानी कि हम यहाँ पर सीजीएस मात्रक इस्तेमाल कर रहे हैं। तरल है जल, ये 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा गया है, इसका श्यानता गुणांक 1 होता है। यदि 100 डिग्री सेल्सियस ताप पर रखा जाए तो उसका श्यानता गुणांक 0.3 होता है, और हम जानते हैं ताप बढ़ाने से श्यानता गुणांक कम हो जाता है। रक्त 37 डिग्री सेल्सियस पर श्यानता गुणांक 2.7 होता है। मशीन का तेल 16 डिग्री सेल्सियस पर
113 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पॉइज़ले होगा और 38 डिग्री सेल्सियस पर 34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पॉइज़ले होगा। और इसी आधार पर हम देखें मशीन का तेल गर्मी के समय अलग तरह से व्यवहार करता है और ठंडी के समय अलग तरह से व्यवहार करता है। गर्मी के समय इसका श्यानता गुणांक कम होता है, इसीलिए ये मशीन का तेल पतला रहता है। जबकि हम देखें गर्मी के समय, जबकि हम ठंडी के समय देखें जब ताप कम होता है तो श्यानता गुणांक का मान अधिक होता है और इसीलिए यह मशीन का तेल गाढ़ा हो जाता है। ग्लिसरीन श्यानता 20 डिग्री सेल्सियस पर श्यानता गुणांक 830 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पॉइज़ले होता है। वायु 0 डिग्री सेल्सियस पर 0.017 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पॉइज़ले और 40 डिग्री सेल्सियस पर 0.019 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 पॉइज़ले। गैस की श्यानता गुणांक, गैस की श्यानता ताप बढ़ाने से बढ़ जाती है और इसीलिए इसका श्यानता गुणांक भी बढ़ गया है। श्यान बल द्रवों में विभिन्न परतों के बीच में अपेक्षित गति का विरोध करता है, यानी एक गति विरोधक बल है। और ऐसे गति विरोधक बल ठोस में भी हम पढ़ चुके जिसे हम घर्षण बल के नाम से जानते हैं। तो चलो बच्चों हम देखते हैं कि घर्षण बल और श्यान बल में क्या समानता है और क्या अंतर है। श्यान बल और घर्षण बल में समानता, श्यान बल घर्षण बल, यह तरल के दो परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है या ठोस वस्तु के मध्य अपेक्षित गति का विरोध करता है। यह आणविक आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है, यह भी आणविक आकर्षण के कारण उत्पन्न होता है। श्यान बल और घर्षण बल में अंतर, श्यान बल घर्षण बल, श्यान बल परतों के क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है। घर्षण बल संपर्क तलों के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता। यह एक ही द्रव के दो परतों के बीच लगता है। यह दो ठोसों के संपर्क तलों के बीच कार्य करता है। यह वेग प्रवणता पर निर्भर करता है। यह ठोसों के अपेक्षित वेग पर निर्भर नहीं करता।